बुंदेलखंड की अयोध्या भगवान श्रीराम राजा सरकार की नगरी ओरछा में आज भगवान राजसी ठाठ बाट के साथ निकलेंगे। इसके पहले रविवार को श्रीराम जानकी विवाह महोत्सव के दौरान मंदिर के आंगन में हल्दी की रस्म हुई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु झूम कर नाचे और कलेक्टर तरुण भटनागर द्वारा मंडप स्थापना एवं पूजन किया गया। साथ ही श्री राम राजा मंदिर धर्मशाला में आयोजित मंडप पंगत में करीब 50,000 लोगों ने सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण किया। इस पावन महोत्सव की मंगल बेला पर धार्मिक नगरी ओरछा को दुल्हन की तरह सजाया गया है और पूरे नगर में जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए। यातायात व्यवस्था के लिए श्री राम विवाह महोत्सव के समय नगर के झांसी बबीना पृथ्वीपुर मार्ग पर करीब 1 किलोमीटर पहले वाहनों की पार्किंग की जा रही है। गौरतलब है कि मंदिर में बुंदेली वैवाहिक गीत और गारी गुंज रही है। मुख्य मंदिर में वर पक्ष बुंदेली वैवाहित गीत बन्ना को चढ़ गाओ हरदी तेल बन्ना मेरे पीरों पर गावरी, वहीं वधु पक्ष के श्रद्धालु और महिलाएं बन्नी गा रही हैं। बन्नी तेरी अखियां सुर में दानी, बन्नी तेरी बेंदी लाख की, बन्नी तेरो गेंदा है हजारी, यह गीत श्रद्धालु रविवार को गाते हुए देखे गए। इसके साथ ही बारात के दौरान भगवान के सिर पर सोने का मुकुट नहीं बल्कि आम बुंदेली दुल्हों की तरह खजूर की पत्तियों से बना मुकुट पहनाया जाएगा। पालकी के एक ओर छत्र और दूसरी ओर चंवर रहेगा। इसे देखकर बुंदेली वैभव की याद ताजा हो जाती है। ओरछा धाम में श्री राम विवाह महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। राष्ट्रीय परंपरा से ये विवाह महोत्सव मनाया जाता है। क्या पहले दिन तेल का कार्यक्रम होता है जिसमें माता जानकी जी को तेल चढ़ाया जाता है। दूसरे दिन होता है हल्दी का कार्यक्रम। 28 नवंबर को बारात आएगी भगवान राम राजा सरकार की, यहाँ पे जानकी जी मंदिर पे टीका किया जाएगा। इसके बाद बारात की वापसी हो जाती है और इसके बाद कन्यादान, पांव पुजाई, ये सब कार्यक्रम रात भर यहाँ चलती रहती है। देखिए, राम विवाह का राज उत्सव का जो कार्यक्रम है वो करीब यहाँ 250 वर्ष से मनाया जा रहा है। राम विवाह चूंकि सनातन धर्म में राम जी जो है बुंदेलखंड में राजा बनकर के यहाँ रह रहे हैं और राम जी को यहाँ राजा के रूप में पूजा जाता है, उनके विवाह के उत्सव की तैयारियां कई महीने से की जाती है। ओरछा में संपूर्ण ओरछा को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और राम जी के जब पाणी ग्रहण का समय आता है तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि गगन 4-10 भरा उछाऊ जनक सुतार रघुवीर विवाहू। राम जी के विवाह का यहाँ भव्य रंग मंचन भी किया जाता है। राम जी को राजा बनाकर के उनकी पालकी में उनकी बारात जब निकलती है ढोल नगाड़ों के साथ तो लाखों नर नारी उनके साथ नाचते गाजते झूमते हुए नए प्रधान पहन करके संपूर्ण नगर में घूमते हैं। राम जी का तिलकोत्सव का कार्यक्रम जानकी मंदिर में कराया जाता है, वहाँ पर बरातियों का बड़ा स्वागत भी होता है और राम जी का जब परिक्रमा लगा करके संपूर्ण नगर का और ओरछा जब अपने महल में पधारते हैं तब उनका पाणी ग्रहण संस्कार ब्राह्मणों के द्वारा आचार्यों के द्वारा कराया जाता है और राम जी को दूल्हा बना करके उनको सिंहासन पर नई पोशाक पर पहना करके बिठाया जाता है, फिर उनका तिलक किया जाता है। इसके बाद संपूर्ण नगर का जो है कच्चे भोजन का भंडारा भी यहाँ किया जाता है। सभी लोग आते उत्साहित हैं और सब लोग राम राजा के विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। आप देख रहे हैं संपूर्ण नगर को जो है सजाया गया है। अपन 55-60 हजार आदमियों को खाना बना रहे हैं, उसमें 2 सब्जी आलू मटर टमाटर बैंगन टमाटर और बूंदी का रायता और बूंदी पूरी मूली का। क्या स्पेशल रहेगा इस बार राम जी की बारात की पंगत में? वैसे सभी स्पेशल है, भगवान की कृपा है। कितने लोगों का स्टाफ आपका लगा हुआ है? स्टाफ हमारा 70 भाई है, 35 लड़के हैं, 3 दिन चलेंगे जी। विवाह पंचमी के इस अवसर पर इस बार जो है जो विगत 2 वर्षों से जो मंडप का जो प्रीति ध्वज नहीं हो पा रहा था, इस बार वो प्रीति ध्वज भी प्रारंभ किया गया और लगभग 50-60 हजार लोग इसमें सम्मिलित होंगे और जो भोजन है वो ग्रहण करेंगे। क्या क्या सर प्रशासन द्वारा अभी तक तैयारियां हो चुकी हैं, कहां कहां भगवान की बारात का
यात्रा निकलेगी, कहाँ से क्या होगा? मंदिर प्रबंधन द्वारा जो 28 तारीख को जो शाम को बारात निकलनी है उसकी लगभग समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और आज कलेक्टर महोदय के द्वारा भी उन तैयारियों का निरीक्षण किया गया। 3 बृहद रूप से जो तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, बाकी के 10 अलग से तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। 2 छतरी टाइप की जो नया उन्होंने बनाया है, जो गेंट जिसको ये टेंडर मिला है, उन्होंने 2 भव्य छतरियाँ का निर्माण भी किया है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है इस समय। और पूरे जो बारात का जो 2 किलोमीटर का लगभग मार्ग है वो पूरी तरीके से प्रकाशमय और आकर्षक रहेगा।